मैं इसे मैं आपसे भी पूछता हूं, लेकिन कैसा साहब, ये अगर आप 9 मई के बाद जो सख्त पन हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जमान पार्क में हर चीज पछाड़ के रख दी, अब अकेले तन तनहा मिर्जा यार वहां पर रह रहा है, तो उससे पहले आप ये कर देते अगर आपको इतना था, क्यों पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व किया, क्यों इस तरफ रुख करवा दिया आपने? यही तो मुनज़्ज़म साजिश है कैसर साहब आप लोगों की, समझे? देखो जी जी मौलाना, देखो पूरी दुनिया की तारीख में मुझे आप बता दो, जमहूरियत है, यूके में है, अमेरिका में है, इंडिया में, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करवाए हैं, अपने आर्मी चीफ को कहा है, कभी ये हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? कभी हुआ है? इनको क्या हो गया? ये कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? और फिर हजारों लोग तो जमा हो जाते हैं, आप खुद मुझे बताइए ना, किस वारंट का क्या तरीका हो, आप बता दीजिए इनको पकड़ा किस तरह जाए? जब इनके घर पर वारंट ले जाते हैं तो सैकड़ों लोग वहाँ होते हैं, जब तोशा खाना के केस में जाते हैं तो सैकड़ों और हजारों का अपना काफिला ले जाते हैं। अगर यही अदालत का इज्जत करनी है, यही जुडिशरी होनी है, तो फिर तो कोई भी नहीं आपका लीडर पकड़ा जाएगा ना। पहले हमारे भी तो लीडर पकड़े गए, कभी कोई इतना इस किस्म का वाकया हुआ? बकायदा नैब की अदालत में मियां नवाज शरीफ अपियर होते रहे, मुझे ये बताइए। और फिर उसके बाद दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताइए तो सही, अपने आर्मी चीफ पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस के हाई जनरल्स के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और फिर आप कहते हैं सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्या किया जाए इनको? क्या ये अभी भी इनके अटॉर्नी जो है नाराज हो रहे हैं? अब मुझे बताइए कि और क्या तरीका का आ रहा है? अगर अपने मुल्क की आप जिस शाख पे बैठे हो, रियासत को ही आपने तबाह करना है, इसमें पार्टियों की बात नहीं है, इसमें तो इनके, अच्छा और दूसरी बात मैंने पहले ही की ना, इनकी अपनी पार्टी के सारे मेंबर भी कन्विंस रहे, उनको तो कन्विंस कर लें, हमें तो बाद में करेंगे। ये जो इमरान खान साहब अबव द लॉ अपने आप को समझने लगे थे, अवामी ताकत पर जो परसीव किया जा रहा था, पता नहीं वो समझते थे कि नहीं समझते थे, लेकिन ये परसीव यही किया जा रहा था, किधर है अवामी ताकत, है किधर? मैं चनियोट से, मैं अपने चनियोट से आया हूँ अभी, और जो गमो गुस्सा वहां पाया जा रहा है ना, मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ, लोग किधर है, इनके सपोर्टर किधर है? अजहर साहब, मिसकैलकुलेशन नहीं होगी इमरान खान से? वो इतनी बड़ी समंदर की स्पोर्ट जो है वो रेत के जरों की तरह बिखर गई। अच्छा, मैं ऐसी किसी, क्योंकि मैं पीटीआई का कोई सियासी वर्कर तो हूं नहीं ना, मैं ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं, लेकिन मैं शेख साहब को, कुछ चीजें याद कराने लगा हूँ। आपको तो कवर किया था लाहौर में नैब में, जब मरियम पेशी के लिए गए थे, क्या हुआ था याद है आपको? बट्टे वो पत्थर थे, वो फूल फेंके गए थे, अब ना करे, वो भी गलत हुआ था अदर साहब, वो भी गलत हुआ था, वो यार वो फूल फेंके, कोई गलत एक काम उसको क्यों कोट कर रहे हैं? वो भी गलत हुआ था, वो हिम्मत करके सुन लेना, तो फिर बात आप ऐसी कोट कर रहे हैं ना, इस पे बात कर रहे हैं, जो हुआ है हिम्मत करके सुन लेना, जो भी हुआ है उस पे बात करें, वो हिम्मत करके सुन ले, आपने सुनाए बिल्कुल, आपके सुनने के लिए तो बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपके सुनने के लिए, आपको सवाल पूछ रहे हैं, क्या था मालडून में कत्लो खारत की थी, आज उनको सजा मिली होती उन लोगों को, तो ये वाकया होना था, ये वाकया जो हुआ है, क्या बात कर रहे हैं हम बैठे? यानी जब हमारी पार्टी करे तो हम ठीक है, और तो अपना जो अपना कुत्ता है वो टोमी दूसरे का कुत्ता है यार, खुदा रहा यार, बात वो किया करेंगे बैठकर, मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने, आप बात वो करें जो समझ में आती है, बात बड़ी सीधी सी है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा 9 मई के बाद, किसने कहा है कि 9 मई के बाद की सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनका हक नहीं है जानने का कि अपना पुलिस क्यों नहीं वहां थी, पुलिस ने क्यों नहीं रोका, क्यों वहां तक लोग पहुंचे? सवाल नहीं है उनका? सवाल क्या किया, कितने का आपने पुलिस वाले सस्पेंड कर दिया? और बड़ी जबरदस्त बात आपने की, वो पाशा साहब ने कह दिया एक ही हुकूमत, वो भाई पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, अच्छा कह दिया उन्होंने, बता दिया कि वो बी टीम है ना, इसी भाई बी टीम आपने सेलेक्ट की हुई है, आपके ब्यूरो आपके सेलेक्ट किए हुए ब्यूरोक्रेसी जो नून लिखी है। पाशा साहब ने एक ऐसी मुस्कुराहट दी है जो मैं ब्रेक के बाद उनसे पूछूंगा क्यों दिया। वो